देखिए मेरा नाम राकेश बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो केंद्र सरकार और आतंकवाद के खिलाफ है। जिस प्रकार से रजौरी के अंदर 14 घंटे के अंदर दो अटैक जो हैं वो हिंदुओं के ऊपर हुए हैं, जिसके अंदर कम से कम 5 लोग अभी तक जो है वो मारे गए हैं और सैकड़ों लोग जो है वो घायल हैं। जिस प्रकार से कल घरों के अंदर घुसकर आतंकवादियों ने आधार कार्ड देखकर हिंदू का टारगेट किया है, और किसी नेता ने ये नहीं कहा कि हिंदू मारा गया, सबने कहा मानवता वगैरह का पाठ पढ़ाने का काम किया जो हिंदू का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे हिंदू मारा जा रहा है, रजौरी के अंदर भी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को पलायन करने के ऊपर मजबूर किया जा रहा है। इससे पहले कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग थी, अभी पिछले कुछ दिनों में अभी तक जो है 7 लोग हिंदू जो है 1 महीने के अंदर रजौरी के अंदर मारे गए हैं, और लगातार हमले जो है वो हिंदुओं के ऊपर हो रहे हैं। हिंदुओं के घरों को चिन्हित कर हमला किया गया है, और हर कोई ये कहता है कि ये पाकिस्तान के साथ, सभी को पता पाकिस्तान करवा रहा है, ये आतंकवादी पाकिस्तान पर छिछकते हैं, लेकिन ये लोकल की मदद से ये हमला नहीं हो सकता था। रजौरी के अंदर कोई ना कोई लोकल व्यक्ति जो है उनके साथ मिला हुआ है, पुलिस प्रशासन को चाहिए उन लोगों को ढूंढकर निकालना है। हम प्रशिक्षण जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के ऊपर नहीं लगाते, हम प्रशासन के ऊपर लगाते हैं। हम गृह मंत्री से ही मांग करते हैं कि गृह मंत्री आकर दौरा करें जम्मू कश्मीर का, उनको पता चलना चाहिए जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू अल्पसंख्यक और कैसे मारा जा रहा है, कौन सुरक्षा करेगा। हम लगातार मांग करते रहे हैं सरकार से कि हिंदुओं को हथियार मुहैया करवाए जाएं। आप ये कहते हैं कि सभी हिंदुओं को सुरक्षा नहीं दी जा सकती, हम मानते हैं, लेकिन आप हथियार तो दे सकते हैं, आप लाइसेंस तो इश्यू कर सकते हैं। उसके साथ आपने BDC क्यों हटाई वहां से, BDC से हथियार क्यों लिए गए आप वापस? अरे BDC को वापस लाइए और हथियार मुहैया करवाइए, गांव गांव में हिंदू को हथियार दीजिए, हिंदू अपनी सुरक्षा आप कर सकता है। लेकिन सरकार का यहां पर ढीला रवैया, हिंदुओं से हथियार वापस लिए गए, BDC को हटाया गया, यही कारण है कि आज हिंदू के ऊपर हमले हो रहे हैं। अगर हर घर के अंदर हथियार होता तो किसी आतंकवादी की हिम्मत नहीं थी कि किसी हिंदू के घर में घुसकर गोलियां चलाने की, उल्टा हिंदू जो है 2-4 आतंकवादी वहां पर ढेर कर देते। हमें रोष है कि हमारे भाई मारे गए हैं, हम बार बार सड़कों के ऊपर आते हैं, बार बार रोना रोते हैं सरकार के आगे, लेकिन सरकार एक बयानबाजी करके फिर चुप हो जाती है, या तो सहायता मुआवजा दे दिया जाता है या पैसे दे दिए जाते हैं। पैसा कभी किसी की पूर्ति नहीं कर सकता, जो जान है वो अनमोल है, आप जान बचाने का काम कीजिए, पैसा देने का काम ना कीजिए। तो हमारी सीधी सीधी चेतावनी जो है वो केंद्र सरकार को है और गृह मंत्री को है, गृह मंत्री जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर का दौरा करें, जिस प्रकार के हिंदुओं के साथ परिस्थितियां जम्मू कश्मीर के अंदर बनी हुई है उनको देखें, और यहां पर आकर
वो हाई लेवल की मीटिंग करें और सुरक्षा के पुख्ता का इंतजाम जो है वो हिंदुओं के लिए करें। और सब 6 साल से सीबीआई जो है वो गन लाइसेंस का जो है वो अभी तक निपटारा नहीं कर सकी। केवल हिंदुओं का गन लाइसेंस मिले इसलिए ऐसा किया गया है।